हेलो दोस्तों, अगर आप भी एक न्यू फ़ोन लेने का सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अप्रैल मंथ में बहुत सारी कंपनी की न्यू स्मार्टफोन लॉन्च होने वाली है। तो चलिए इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें, मैं आपको सारे ही अपकमिंग स्मार्टफोन का रिव्यू देने वाला हूँ। हमारे लिस्ट पे पहले नंबर पे OnePlus Nord CE 3 Lite 5G। बेसिकली ये OnePlus Nord CE 2 का सक्सेसर होने वाला है। तो बात करें अगर इसकी स्पेसिफिकेशन की, तो इसमें आपको 6.7 इंच का 120 हर्ट्ज का IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, साथ ही Snapdragon 695 का प्रोसेसर देखने को मिलेगा, 108 मेगापिक्सल का रियर कैमरा एंड 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी देखने को मिल जाएगा। बात करें बैटरी की, तो 5000 mAh का बैटरी, साथ ही 67 वाट का फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिल जाएगा। बात करें इस फ़ोन की प्राइस की, तो ये लमसम 19,999 का देखने को मिलेगा। दूसरे नंबर पे OnePlus Nord 3। बात करें अगर इसके स्पेसिफिकेशन की, तो इसमें आपको 6.74 इंच का 120 हर्ट्ज का एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, डायमेंसिटी 9000 का 5G चिपसेट देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही पावरफुल चिपसेट होने वाला है, साथ ही 64 मेगापिक्सल का रियर कैमरा एंड 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। बात करें बैटरी की, तो इसमें आपको 5000 mAh का बैटरी एंड 18 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। बात करें इसकी प्राइस की, तो ये लमसम 29,999 का होने वाला है। तीसरे नंबर पे पोको F5 5G। बात करें अगर इसके स्पेसिफिकेशन की, तो इसमें आपको 6.67 इंच का 120 हर्ट्ज का एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, साथ ही Snapdragon 8 Plus Zen 1 का चिपसेट भी देखने को मिलेगा। बात करें अगर इसके कैमरा की, तो इसमें आपको 64 मेगापिक्सल का OIS कैमरा देखने को मिलेगा, साथ ही साथ 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी देखने को मिल जाएगा। बात करें अगर इसकी बैटरी की, तो इसमें आपको 5000 mAh का बैटरी देखने को मिलेगा, साथ ही 64 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। बात करें अगर इसकी प्राइस की, तो ये लमसम आपको 39,999 में देखने को मिलेगा। इस फोन की कैमरा बहुत ही दमदार होने वाली है। फोर्थ नंबर पे Redmi GT 3 5G। बात करें अगर इसकी स्पेसिफिकेशन की, तो इसमें आपको 6.74 इंच का आपको एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, साथ ही Snapdragon 8 Plus Zen 1 का 5G चिपसेट भी देखने को मिल जाएगा। बात करें अगर रियर कैमरा की, तो इसमें आपको 50 मेगापिक्सल का OIS रियर कैमरा देखने को मिलेगा, साथ ही 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी देखने को मिल जाएगा। बात करें अगर बैटरी की, तो इसमें आपको 4600 mAh का बैटरी देखने को मिलेगा, साथ ही साथ 24 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। बात करें अगर इस फोन की प्राइस की, तो ये फोन आपको लमसम 39,999 में देखने को मिलेगा। फिफ्थ नंबर पर है Vivo X90 की सीरीज। इस सीरीज में आपको 2-3 फोन देखने को मिल सकता है, बट Vivo का ये कहना है कि मे बी शायद ये इंडिया में सिर्फ और सिर्फ Vivo X90 Pro ही लॉन्च करे। साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि ये बहुत ही पावरफुल कैमरा फोन होने वाला है। तो बात करें अगर इसके स्पेसिफिकेशन की, तो इसमें आपको 6.7 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलेगा, साथ ही Snapdragon 8 Plus Zen 1 का चिपसेट भी देखने को मिलेगा। बात करें कैमरा की, तो इसकी रेयर में आपको 50 मेगापिक्सल का OIS रेयर कैमरा देखने को मिलेगा, साथ ही 32 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा भी देखने को मिल जाएगा। बात करें अगर इसकी बैटरी की, तो इसमें आपको 4870 mAh का बैटरी देखने को मिलेगा, साथ ही 8 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। तो बात करें अगर इसकी प्राइस की, तो ये लमसम 79,999 का होने वाला है। सिक्स नंबर पे आता Samsung Galaxy M54। इसकी अगर स्पेसिफिकेशन की बात करें, तो इसमें आपको 6.7 इंच का फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, साथ ही Exynos का 1380 का 5G चिपसेट भी देखने को मिल जाएगा। बात करें अगर कैमरा की, तो इस फोन में आपको 1008 मेगापिक्सल का OIS का रेयर कैमरा देखने को मिलेगा, साथ ही 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी देखने को मिल जाएगा। बात करें अगर बैटरी की, तो इसमें आपको 6000 mAh का बैटरी देखने को मिलेगा, जो कि इस सेगमेंट में बहुत ही बड़ा बैटरी है, साथ ही साथ 25 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा।
बात करें अगर इसकी प्राइस की तो ये लमसम 32,999 का होने वाला है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि सैमसंग गैलेक्सी M54 बहुत ही डिमांडेबल फ़ोन है, ये जब भी लॉन्च होगा देखना इसका बहुत डिमांड होगा। तो आप हमें कमेंट करके बताना कि सैमसंग गैलेक्सी M54 का स्पेसिफिकेशन आपको कैसा लगा और आप इसे कंसिडर करेंगे कि नहीं। सेवेंथ नंबर पर वीवो T2 5G, ये फ़ोन लॉन्च हो भी सकता नहीं भी हो सकता, बट इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन लीक हो चुकी है तो मे बी शायद ये लॉन्च हो जाए। तो बात करें अगर इसकी स्पेसिफिकेशन की तो इसमें आपको 6.62 इंच का एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, साथ ही साथ डायमेंसिटी 900 सीरीज़ का चिपसेट भी देखने को मिल जाएगा। बात करें अगर इसकी कैमरा की तो इसकी रेयर में 64 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा, साथ ही 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी देखने को मिल जाएगा। बात करें अगर बैटरी की तो 4700 mAh का बैटरी देखने को मिलेगा, साथ ही साथ 180 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। बात करें अगर इसकी प्राइस की तो ये लमसम 19,990 का होने वाला है। एट नंबर पे इन्फिनिक्स स्मार्ट 7 HD, बताया जा रहा है कि इन्फिनिक्स अप्रैल में अपना एक बजट स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है। तो बात करें अगर इसकी स्पेसिफिकेशन की तो इसमें आपको 6.6 इंच का फुल HD डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। बात करें अगर कैमरा की तो इसमें आपको 13 मेगापिक्सल का रेयर कैमरा देखने को मिलेगा जो कि AI लेंस बेस्ड होगा, और साथ ही साथ 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी देखने को मिल जाएगा। बात करें अगर बैटरी की तो इसमें आपको 6000 mAh का बैटरी देखने को मिलेगा, बहुत ही बड़ा, साथ ही साथ 10 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। बात करें अगर इसकी प्राइस की तो इसकी प्राइस होने वाली है लमसम 8000, तो ये बहुत ही बजट फ्रेंडली होने वाला है, तो आप इसे भी कंसीडर कर सकते हैं अगर आपका बजट बहुत ही टाइट होगा तो। एंड लास्ट में हमारे लिस्ट पे आता है ओप्पो रेनो 10 सीरीज़, ये मे बी शायद अप्रैल लास्ट और मई में लॉन्च हो सकता है। तो इसकी स्पेसिफिकेशन आउट हो चुकी है तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि इसमें आपको 6.7 इंच का 120 हर्ट्ज का एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा, साथ ही साथ डायमेंसिटी 8100 का चिपसेट देखने को मिल जाएगा। बात करें अगर कैमरा की तो इसमें आपको 50 मेगापिक्सल का रेयर कैमरा देखने को मिलेगा, साथ ही साथ 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी देखने को मिल जाएगा। बात करें अगर बैटरी की तो इसमें आपको 4600 mAh का बैटरी देखने को मिलेगा, साथ ही साथ 80 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। तो अगर बात करें इसकी प्राइस की तो ये लमसम 29,900 के अंडर होने वाला है। सो फाइनली अब आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा फ़ोन अच्छा लगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही हमारे इस वीडियो को लाइक भी कर दें।